ईआरटी इस काम को देखती है, उनसे संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि दोनों का अध्ययन करके एक रिपोर्ट एक सप्ताह में पेश की जाए कि उन्होंने क्या क्या कोर्स कम किया है, कहाँ कहाँ उन्होंने किन किन किताबों में कौन कौन से कोर्स कम किए हैं, उसकी पूरी सूची विगत के साथ हमें पेश की जाए। उसको पढ़ने के बाद हम निर्णय करेंगे कि हमको क्या करना है। थर्ड ग्रेड के काटा निकालने की बात हो रही थी आपसे, क्या वो थर्ड ग्रेड वालों को कुछ मिलेगा? देखिए, अभी तो सारे विभागों के स्थानांतरों पर प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रतिबंध लगा हुआ है। प्रतिबंध खुलेगा तो उनको भी कुछ न कुछ जो भी हम नीति बन रही है उसके अनुसार रिलीफ देने का प्रयास करेंगे। क्या तबादले से थर्ड ग्रेड के होंगे या नहीं होंगे ये बताएं, होंगे नहीं होंगे? मैंने बताया ना कि जब तबादले खुलेंगे तभी तो होंगे। कब तक खुलने की उम्मीद है ये मेरे को पता नहीं है, तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी लेवल पर फैसला होगा सर, प्रशासनिक सुधार विभाग के आधार पर होगा। सर एक हेमाराम जी और जो वरिष्ठ विधायक हैं वो लोग ये कह के गए कि अब हम लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते एज फैक्टर को देखते हुए। मेरी एज फैक्टर में 73 साल का हूँ, लड़ूंगा चुनाव। एक चीज आपने एनसीईआरटी वाला जो मुद्दा है, तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा की किताबें स्टॉक के अंदर है, यदि ये बदलाव होता है तो कितना बड़ा फायदा? मैंने कहा ना कि बदलाव जैसा मैंने बताया कि एसआईईआरटी की रिपोर्ट आने पर मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाएगा 1.5 करोड़ की जो किताबें हैं वो अब स्कूलों में चलेंगी, वही कोर्स चलेगा या कुछ चेंज होगा या चेंज हो गया? मैंने बताया ना, रिपोर्ट आने दो यार, रिपोर्ट का खटाव रखो, एक सप्ताह में रिपोर्ट आ जाएगी। केंद्र सरकार ने जैसे मुगल सल्तनत के कुछ चैप्टर हटाने की बात कही है, इंदिरा जी के जो हत्यारे उनका नाम भी हटाया जा रहा है, इस तरह की बात है। महात्मा गांधी जी के हत्यारे का नाम हटाने का जिक्र आया है, इसी भी तो सब बातों का अध्ययन करके जो भी मेरिट से कर सकते हैं वो करेंगे। मुगल सल्तनत के जो चैप्टर हटाए जा रहे हैं आप क्या मानते हैं? मैंने कहा मेरे पास रिपोर्ट आने दो, भी अभी जो सब बाका डाक चल रही है, यदि रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो हम, मैंने कहा ना मेरिट के आधार पर फैसला करेंगे। स्कूलों में किताबें भेजी जाएंगी अभी तक तो आप समझ रहे हो अप्रैल का वक्त है, जुलाई में स्कूल खुलेंगे, एक सप्ताह में रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आने पर हमको क्या करना है वो बता देंगे आप।